हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा टंडे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसके लिए हम प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर ले लेंगे। उसके बाद जो है हम टिंडों को छील लेंगे और इसे छील कर धोकर साफ कर करके कट कर लेंगे। तो इसे हम जो है छील लेंगे। तो ये हमारे टिंडे छिल गए हैं। इसके बाद हम इनमें कट लगाएंगे, क्योंकि भरमा के लिए हम इसमें मसाले भरना है, तो इसमें हम 4 कट लगा लेंगे, जिससे इसके बीच में जो मसाला भर सके। तो इसी तरीके से हम सारे टिंडो ऐसे ही कट कर लेंगे, सभी टिंडो को ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इसके बाद जो है हमारे टिंडे कट हो गए हैं, सारे इसी तरीके से कट करने हैं। इसके बाद जो है हम प्याज लेंगे और इसे हम चॉप कर लेंगे, इसे हमने चॉप कर लिया है। और लहसुन लेंगे, उसे भी हम छील लेंगे। तो हमने लहसुन को भी छील लिया है और हरी मिर्च टमाटर भी काट के रख लिए हैं। इसके बाद एक हम मिक्सी का जार लेंगे। मिक्सी के जार में हम प्याज ऐड करेंगे और जो लहसुन है वो छील के रखा था वो ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, क्योंकि हम भरवा कुछ भी बनाते हैं उसमें सौंफ ज़रूर ऐड करते हैं, भरवा मसाले में सौंफ ज़रूर जाती है। और इसके बाद मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमने 1 चम्मच की है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और जो है थोड़ी क्वांटिटी में गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये हैंडमेड गरम मसाला है जो थोड़े से ही बहुत अच्छा स्वाद देता है। और इसके बाद जो है हम हींग ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हींग, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हाजमे के लिए भी अच्छी रहती है। तो इसमें हमने हींग ऐड कर दी है और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा नमक डालना भूल गए थे, तो नमक और ऐड करेंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो हमने नमक ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अपना फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे ढककर मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे। तो ये हम मिक्सी के जार में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा फाइन पेस्ट बन के रेडी है। तो इसी तरह का पेस्ट बनाएं आप। और ये हमारे टिंडे जो हमने पहले धो नहीं पाए थे, इन्हें अभी धोए हैं, धोकर दूसरी प्लेट में कर लेंगे हम। इसे दूसरी प्लेट में करने के बाद हम ये पानी फेंक देंगे और इसे जो भरमा मसाला है इसमें भर लेंगे। इसमें जो है चम्मच के सहारे भर लेंगे, आप चाहे तो हाथ से भर सकते हैं, हम चम्मच के सहारे भर रहे हैं। और जो है ये भरमा टिंडे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, ये सभी को पसंद आते हैं और आई होप आपको भी पसंद आएंगे। और इसमें मसाला भी कम यूज़ होता है, इसमें थोड़ा ही मसाले में ये पूरे टिंडे भर जाते हैं। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरे टिंडे भर लिए हैं। तो अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी। इसके लिए हमने गैस की फ्लेम ऑन की है, इसके बाद कढ़ाई रखी है। इसमें जो है हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने ऑयल ऐड किया है और इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, जैसा आपको पसंद हो, जैसा आप यूज़ करते हो। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, इस अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने जीरा ऐड कर दिया है, तेल गर्म होने के बाद जीरा ऐड किया है। इसके बाद अपनी हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जो हमने कट करके रखी थी उन्हें भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हरी मिर्च ऐड करने के बाद जो हमने टिंडे भर के रखे थे, भरमा टिंडे, वो ऐड कर देंगे। तो एक एक करके रखें अच्छे से। और जो है हमने टिंडे अपने जो है पूरे रख देंगे और इसे हम इसी प्लेट से थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, जिससे ये हमारे टिंडे जो एक साइड से पक जाए तो हम थोड़ी देर बाद इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो इसी प्लेट से हम इस टिंडे को ढक के रख देते हैं, क्योंकि ये भाप में अच्छे पकेंगे। तो हमारे एक साइड से पक गए होंगे तो इसे हम चला देंगे, जिससे कि हमारे पूरी साइड जो अच्छे से भुन जाए। टिंडे जितने अच्छे भुनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम इन्हें घुमा के फिर से ढक के रख देंगे और ये हम फिर से हम चला लेंगे। फिर से हमने इसे
चला लिया ऐसे ऐसे ही अच्छे से दो चार बार प्रोसेस करके हम भून लेंगे अच्छे से। जब ये बिल्कुल अच्छे से भून जाए उसके बाद ही हम इसमें जो है अपना जो है पानी वगैरह ऐड करेंगे, तो इसे अच्छे से भूनने देते हैं इसे एक बार और हम ऐसे ही ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये टिंडे अच्छे से भुन गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा मसाला बचा था वो ऐड कर देंगे इसमें ही हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और ये टिंडे बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब लगते हैं, तो आप ज़रूर बना कर ट्राई करें। इसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखे थे इन्हें भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे और जो है इसे हम मिला लेंगे, इस जो है इसे मिला लेंगे हम अच्छे से, जो टमाटर भी हमारे अच्छे से जो है भुन जाए। और ये टिंडे थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। ऐसे पकने के बाद हम इसमें जो है एक से डेढ़ गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि भरमा टिंडे सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते, थोड़े ग्रेवी वाले ही पसंद है। ग्रेवी आपको सूखे पसंद है तो आप सूखे बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ग्रेवी वाले ही थोड़ा सा ग्रेवी रहनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें बॉयलिंग भी आ गई है, अब इसमें बॉयलिंग आ गई है, इसे अच्छे से बॉयल करेंगे जब तक ये हमारे टिंडे अच्छे से पक ना जाए। तो ये फ्रेंड्स, ये टिंडे जो बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं, तो ये इसी तरीके से देख लें फ्रेंड्स, ये पक गए हो तो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टिंडे जो है पक गए हैं, ऐसे काट के देखेंगे तो इसे हम, ये हमारे ऑलमोस्ट डन है। तो हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अब हम इसके ऊपर जो है हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे और इसे, ये जो है हमारे टिंडे जो है डन है, बहुत अच्छे से बने हैं, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप इन्हें बनाकर इसी टाइप से ट्राई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टिंडे अब हम बॉयल में करेंगे, ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, तो आप इन्हें बनाकर ट्राई करें। और हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो है हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें। और आपको ये